अपने ही धी की अध्यापका का आशिक हो गया प्यो। जदों अध्यापका ने करती ना तो सिरफिरे ने चुक लिया वड्डा कदम। यूट्यूब तो सिख स्कूल च लगा दिता बम। गल एक स्कूल की ही करांगी, उस स्कूल की जिस दे विच बंब होने की खबर जदों निकल के सामने आती है तो चारे पासे हफड़ा तफड़ी मच आती है। जी हाँ, पुलिस दी टीमां बॉम्ब स्क्वाड तक फौरन मौके पर पहुँचता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, ये बंब बरामद भी कर लिया जाता है, जिस तों बाद उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जिस दे वल्लों ये सब कुछ किया गया सी। पर आखिर इस सिरफिरे ने अजिहा किया क्यों, इस रिपोर्ट वेखो। जी हाँ, आ जिहड़ा पुलिस की गिरफ्त च मूँह लुकाई खड़ा है, नीवीं पाई खड़ा है, इसका कारनामा जदों तुहानूं पता लगेगा तो तुहानूं हैरानगी भी होवेगी, हादसा भी आवेगा ते गुस्सा भी। दरअसल पटियाला दे त्रिपड़ी इलाके च पैंदे माइलस्टोन स्मार्ट स्कूल च बंब होने का मामला सामने आया। जिवें ये खबर निकल के सामने आई कि स्कूल च किसी ने बंब रख दिता है तो हर किसी नूं हत्थां पैरां दी पै गई। फौरन स्कूल नूं खाली करा, स्कूल नूं सील कर, सर्च अभियान चलाया गया, बॉम्ब स्क्वाड तक नूं बुलाया गया। अते जदों ये बंब मिलिया तो बंब दे नाल एक धमकी वाली चिट्ठी भी मिली जिस ते लिखिया सी कि बंब खालिस्तानी समर्थकों ने रखिया है। पर जदों जांच की गई तो पता लग्या कि यह बंब नकली है। अते हुण इस मामले च कार्रवाई करदिया पुलिस ने मुलजम नूं गिरफ्तार भी कर लिया है जिसकी पछाण जगमीत सिंह दे वजों हुई है। 18 अगस्त की वारदात है, ये सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि त्रिपड़ी थाने दे एरिया च माइलस्टोन स्मार्ट स्कूल है जिते एक धमकी वाला लेटर ते एक टाइम बॉम्ब पिया है। जो चंगी तरह मुलाजा किया गया तो ये एक डम्मी बम सीगा और लेटर विच खालिस्तानी एजेंडे नू प्रमोट किया जा रहा सीगा। ये वारदात 4 to 5 बार रिपीट हो गई तो साड़ी टीम रेगुलर लगी सीगी, जिन्हें भी एरिया से सीसीटीवी फुटेज सके उन्होंने देखा जा रहा सीगा। 6 दिसंबर नू ये वारदात फिर तो रिपीट हुई तो उहदे मुताबिक जदों वक्त वक्त टीम बना के वारदात नू ट्रेस करन दी कोशिश कीती गई, सानू एक लीड मिली। उस तो बाद एक जगमीत सिंह नाम दा बंदा जो चेम पटियाले दा रहने वाला है वो अरेस्ट किया गया इहदे विच और पटियाला त्रिपी थाने विच मुकदमा नंबर 400 अंदर सैक्शन 121A ते 506 IPC दर्ज किया गया। हुण तुहाडे ज़हन च सवाल उठ रहा होना है कि आखिर इस सिरफिरे ने अजिहा किया क्यों। मामले बारे जानकारी दिंदिया SP सिटी ने दस्या कि मुलजम जगमीत सिंह पेशे तो दर्जी है अते जिस स्कूल नूं इसने उड़ाउण दी धमकी दित्ती इसदी धी वी उसे स्कूल च पढ़दी है। अक्सर बच्ची दी पढ़ाई बारे दसण दे लई स्कूल दीआं टीचरां मापिआं नूं फोन या मैसेज कर दिंदियां। बच्ची दी एक अध्यापका दे वल्लों इसे तरह दा एक मैसेज जगमीत सिंह नूं कीता गया, पर इस मैसेज दा इस सिरफिरे ने गलत मतलब कढ लिया अते इह इस अध्यापका ते उस दे नाल संबंध बनाउण दे लई दबाव बनाउण लगा, पर अध्यापका ने इस नूं ब्लॉक कर दिता, जिस तों बाद इह सिरफिरा तैश चा गया अते इसने यूट्यूब तों नकली बंब बनाउणा सिख्या अते इसने स्कूल च जाके नकली बंब ते धमकी वाला लैटर रख दिता। जगमीत दी बेटी स्कूल च पढ़दी सीगी। नॉर्मल की होंदा है कि जदों भी टीचर्स होंदे हैं वो पेरेंट्स नूं अपडेट करदे हैं रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो इस बंदे नूं बलेखा पै गया सीगा कि जिहड़ी फीमेल टीचर है इन्हां नूं मैसेज करती है, तो इसने कोशिश की थी कि उन्होंने गलत तरीके नाल अप्रोच करन दे लई फ्रेंडशिप दे तौर ते जदों उन्हां वल्लों इहनूं जगमीत नूं ब्लॉक किया गया तैश च आके एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसने यूट्यूब च सीखी कि मैं टाइम बम बनाते हैं और सेम तरीके नाल इसने दहशत दा माहौल फैलाने लई स्कूल पेशा की सीगा। जी जे इस तरीके ये दर्जी दा काम करदा है, क्रिमिनल पे शुक्र नहीं है, लेकिन इहदे मोबाइल दी फॉरेंसिक असीं करा रहे हैं ते इहदा मेडिकल भी असीं करा रहे हैं, अकॉर्डिंगली असीं वेरीफाई करेंगे। पुलिस मुताबक ये मुलजम दिमागी तौर तो परेशान लग रहा है अते फिलहाल इस गल दी भी जांच कीती जा रही है कि किधरे असल च इस दे किसे खालिस्तानी नाल कोई लिंक तां नहीं। पटियाला तो दमनप्रीत सिंह दी रिपोर्ट, PTC न्यूज़।